नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। राममय हुआ बिहार, जमघोर रहा उत्सवी माहौल। 500 से अधिक मठ मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। राम जानकी हनुमत लल्ला के मंदिरों में दिखी अद्भुत छटा। अयोध्या में भूमि पूजन पर पूरा बिहार राममय रहा। भजन कीर्तन हवन पूजन और प्रसाद मिष्ठान वितरण से चहुं ओर उत्सवी माहौल रहा। राम जानकी और हनुमत लल्ला के मंदिरों में तो बुधवार की छटा देखते बन रही थी। यत्र तत्र शोभा यात्राएं निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद की ओर से 500 मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन था। संघ परिवार और भाजपा के साथ जन जन में उत्साह का संचार होता रहा। एक स्वर में सभी ने भूमि पूजन को सदियों के संताप का समन बताया। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटे सी स्थिति रही। आवागमन काफी कम हुआ क्योंकि लोग या तो धार्मिक अनुष्ठान में जुट गए या फिर टीवी पर भूमि पूजन समारोह का प्रसारण देखते रहे। बाजार में महावीरी पटाखे फूट बिके। अभिवादन में भी लोग राम राम करते रहे। गली कूचे में राम जानकी की गीत गूंजते रहे, जबकि मंदिरों में राम धूम और हनुमत चालीसा का पाठ किया गया। जगत जननी जानकी की जन्मस्थली हुआ राम की ससुराल सीतामढ़ी। जय सिया राम जय जानकी की उद्घोष से गुंजायमान रहा। रजत द्वार जानकी मंदिर और पुरौता धाम जानकी मंदिर की विशेष सजावट की गई थी। पंथ पाकड़ स्थित सीता मंदिर में भजन कीर्तन से श्रद्धा भक्ति की सरता बहती रही। पूरा शहर भगवान ध्वज से पटा रहा। घरों से निकलकर श्रद्धालु घंट घड़ियाल और थाली बजा रहे थे। शाम होते ही 1,25,000 दीप मालाओं से पूरा शहर जगमगा उठा। राज्य के मठ मंदिरों के साथ ही घरों में भी अनूप तैयारी की गई थी। कई घरों में भी फूलों से सजावट हुई और रंगोली बनाई गई, झांकी सजाई गई। सामर्थ्य के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए दान का संकल्प भी लिया गया। इधर बताते चले कि राम भक्त सोशल मीडिया पर भी सक्रिय दिखे। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ऐतिहासिक अवसर को साझा करने और बधाई देने की होड़ दिखी। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। 500 वर्षों की इंतजार की घड़ी आज खत्म हुई। हम भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण के साक्षी बने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बकायदा घर में झांकी सजाकर परिवार के सदस्यों के साथ पूजा अर्चना की। नंदकिशोर यादव और आरके सिन्हा ने कहा है कि बुधवार को एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। वीडियो से जिस मुहूर्त का इंतजार था वह साकार हो गया। बिहार में 52,000 टेस्ट का रिकॉर्ड, मिले 2,701 पॉजिटिव। बिहार एक दिन में कोरोना के करीब 52,000 सैंपल की जांच करने वाला राज्य बन गया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 51,924 सैंपल की जांच की, जिसमें कुल 2,701 नतीजे पॉजिटिव आए हैं, यानी 5.20% पॉजिटिव मिले। एक दिन में 1,610 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 1,071 नए एक्टिव केस जुड़ गए हैं। बुधवार को एक दिन में कोरोना संक्रमित 20 लोगों की मौत भी हुई है, इसमें अकेले पटना जिले में 6 लोग हैं। इधर अगर स्वास्थ्य विभाग की माने तो 1 अगस्त को राज्य में 28,624 सैंपल की जांच की गई, जो 5 अगस्त को बढ़कर 51,924 हो गई। 4 दिन में जांच क्षमता में 23,000 सैंपल की वृद्धि हुई। इधर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हुई जांच में 2,701 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,610 संक्रमितों ने महामारी को पराजित भी किया है। राज्य में अब तक कुल 64,732 संक्रमित मिले हैं, इनमें से कुल 21,952 ठीक भी हुए हैं। बताते चले कि बुधवार को एक्टिव मामलों में 171 नए केस जुड़ गए। मंगलवार तक राज्य में एक्टिव केस से 20,921 थे, जो बुधवार को बढ़कर 21,952 हो गई। बुधवार को जो 2,701 पॉजिटिव मिले उनमें अकेले पटना में 478 और कटिहार में 196 पॉजिटिव मिले हैं। बिहार में अब प्राइवेट लैब भी करेंगे एंटीजन किट से जांच। राज्य में अब प्राइवेट लैब भी रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच कर सकेंगे। इस जांच के लिए प्राइवेट लैब बतौर शुल्क अधिकतम 700 रुपए ले सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 6 प्राइवेट लैब को रैपिड एंटीजन किट से जांच की अनुमति दी है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब आधा दर्जन प्राइवेट लैब ने विभाग से रैपिड किट से जांच की अनुमति मांगी थी। विभाग ने प्रस्ताव को अनुमति दे दी है, साथ ही शुल्क भी तय किया है।
जबकि जो लैब RT-PCR से कोरोना सैंपल की जांच करेंगे उन्हें अधिकतम 2500 रुपए बतौर शुल्क लेने का अधिकार होगा। केंद्र ने स्वीकार की सुशांत मामले की CBI जांच की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी मामले की जांच की स्थिति की रिपोर्ट। कोर्ट ने पूछा, IPS को क्वारंटाइन कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे सैद्धांतिक तौर पर मामला CBI को भेज दिए जाने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की बिहार में दर्ज मामला महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की मांग पर बिहार सरकार सुशांत के पिता व अन्य पक्षकारों को 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सुशांत मामले की अभी तक हुई जांच की स्थिति रिपोर्ट बताने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सच सामने आना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर अगले सप्ताह फिर सुनवाई करेगा। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह ने 14 जून को आत्महत्या कर ली थी। मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, लेकिन इस बीच सुशांत के पिता ने पटना में FIR दर्ज कराई, जिसमें सुशांत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए गए हैं। इधर सुशांत के पिता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस मामले को ठीक से जांच नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने पटना में अपने पुत्र की मौत की FIR दर्ज कराई है। बिहार सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के अधिकारियों को क्वारंटाइन कर रखा है। अधिकारियों को क्वारंटाइन किए जाने पर कोर्ट ने महाराष्ट्र से कहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इससे संदेश देना चाहते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जिसमें एक प्रतिभाशाली कलाकार संदिग्ध परिस्थितियों में मरा है। हाई प्रोफाइल सिनेमा की दुनिया का मामला है, सबके अपने विचार हैं, लेकिन कोर्ट कानून के मुताबिक ही काम करेगा। CM नीतीश कुमार ने कहा, बाढ़ राहत शिविरों में रोज मिलेगा काढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में किसी भी तरह पर कोताही नहीं होनी चाहिए। घर छोड़कर स्कूल या अन्य आश्रय स्थलों में रहने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। शिविर में रहने वाले लोगों को उन्होंने प्रतिदिन काढ़ा देने का भी निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों में हवाई दौरा किया और कई निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही CM नीतीश कुमार ने मखनाही स्कूल में चल रहे राहत शिविर एवं सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में लोगों से बात कर उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में जाना। पूछा, क्या खाना मिल रहा है? लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा खाना समेत अन्य सुविधा देने की बात कही। रसोई घर, चिकित्सकीय सुविधाओं, आवासित कमरों का जायजा लिया। भोजन की गुणवत्ता भी देखी। बच्चों के बीच उन्होंने बिस्किट भी बांटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में सबका टेस्ट जरूर कराएं, अच्छे तरीके से देखभाल करें, उन्हें निशुल्क मास्क दिया जाए जिन्हें पहनना अनिवार्य किया जाए। काम करते वक्त भी लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सुरक्षा के लिए जरूरी है। CM ने प्रधान सचिव और DM को कई निर्देश जारी किए। वेतन भुगतान अद्यतन करने की नियोजित शिक्षकों ने की मांग। राज्य में नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों ने वेतन भुगतान अद्यतन करने की मांग की है। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के कार्यकारी प्रदेश संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सुशील कुमार पांडे ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ईमेल से ज्ञापन भेजकर कहा है कि लाखों नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जबकि केवल मई माह के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी हुई है। आंगनवाड़ी केंद्रों का बदलेगा मॉडल। देश में नई शिक्षा नीति के तहत पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चे खेल खेल में पढ़ेंगे। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए ECCE प्रणाली लागू होगी। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए विशेष संयुक्त कार्यबल का गठन होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय, महिला और विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में बदलेगा सिलेबस, बदलेगी किताबें। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में 12वीं कक्षा तक की किताबें बदल जाएगी। हालांकि उनके पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के साथ पाठ्यक्रम बदलेगा। पाठ्य पुस्तकें तैयार होती है पाठ्यक्रम के आधार पर और पाठ्यक्रम तैयार होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से लेकर कक्षावार पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के बदलाव की प्रक्रिया में कम से कम 5 वर्ष लगते हैं, वह भी तब जब पूरी प्रक्रिया में निरंतरता हो।
इंस्पायर अवार्ड की तैयारी को ई बैठक। इंस्पायर अवार्ड के लिए छठी से दसवीं कक्षा तक के प्रतिभागी छात्र छात्राओं की सहभागिता की तैयारी को लेकर इससे जुड़े शिक्षकों की ई बैठक होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा ई बैठक का लिंक सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान देखने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं। प्रमंडलवार बैठक का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है। यह बैठक 5 अगस्त से 18 अगस्त तक होनी है। 9 अगस्त को जारी होगी मेधा सूची। 24 अगस्त तक पे आपत्ति। पटना जिले में वर्ग छठी से आठवीं तक नियोजन की प्रक्रिया अगस्त में पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तिथि जारी कर दी है। नियोजन के लिए 9 अगस्त को मेधा सूची का प्रकाशन होगा। मेधा सूची में 10 से 24 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर स्टूडेंट्स व पेरेंट्स की उपस्थिति पर रोक। 15 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थानों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम पिछले वर्ष की भांति निर्धारित समय पर होगा। इस बार कोविड-19 संक्रमण के कारण सामाजिक दूरी के साथ शिक्षक शैक्षणिक संस्थानों में उपस्थित होंगे, लेकिन कार्यक्रम में विद्यालय के किसी भी छात्र छात्रा एवं अभिभावक को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का पालन सभी शैक्षणिक संस्थानों को सख्ती से करना होगा। सेवा काल में मृत नियोजित शिक्षकों की मांगी गई सूची। राज्य के समग्र शिक्षा अभियान से वेतन पाने वाले सेवा काल में मृत नियोजित शिक्षक की सूची जिलों से मांगी गई है। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान देखने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के वेतन पाने वाले सेवा काल में मृत नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जाना है। इसके मद्देनजर समग्र शिक्षा अभियान से वेतन पाने वाले सेवा काल में मृत नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों की सूची 7 दिनों के अंदर मांगी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।